आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। ये हैदराबादी स्वीट डिश है, इसे डबल का मीठा भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 4 स्लाइस हमने वाइट ब्रेड के लिए उनको ऐसे ट्रायंगल में शेप में काट लिया बीच में से। देसी घी फ्राई करने के लिए दूध 250 ml, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, 200 ग्राम चीनी, 150 ग्राम मलाई फ्रेश क्रीम, पानी 100 ml, छोटी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, 15 लच्छे केसर के, 3-4 काजू, 3-4 बादाम हमने लंबे स्लाइस में काट लिए गार्निश के लिए। ये भी 3-4 काजू 3-4 बादाम है, उनको हमने बारीक ऐसे छोटे टुकड़ों में पीस लिया है। ये उसमें रबड़ी में डालेंगे। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार कर लेंगे। गैस जलाएंगे, पैन में दूध डालेंगे, फ्रेश क्रीम डालेंगे और कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। गैस को मीडियम आंच पे रखना है, बीच बीच में कम ज़्यादा करते रहेंगे और इसको उबाला आने देंगे। आप खाली दूध की भी रबड़ी बना सकते हैं। हमने मलाई और कंडेंस्ड मिल्क इसलिए डाला है रबड़ी जल्दी बन जाए। दूध के ऊपर मलाई नहीं जमनी चाहिए, साइड से ये साथ साथ उतारते जाइए। दूध में उबाला आ गया, गैस थोड़ी सिम पे कर देंगे और अब इसमें ये इलायची केसर और ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर देंगे और इसको लगातार अब स्टर करेंगे और इसको हमने अब तब तक पकाना है जब तक ये रबड़ी की तरह ना हो जाए। रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन 15 मिनट लगे हैं गाढ़ा होने में। ये देखिए, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठंडा होके ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको गैस करेंगे बंद, इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। पानी डालेंगे और चीनी डालेंगे, गैस चलाएंगे, गैस को मीडियम आंच पे रखना है और इसको लगातार स्टर करेंगे, नहीं तो ये चीनी पतीले से नीचे चिपक जाएगी। चीनी डिजॉल्व हो गई, अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। गैस को कम करेंगे और इसको चेक करते हैं चाशनी को। एक तार की चाशनी हमारी बन गई है। अब हम गैस करेंगे बंद और चाशनी को छान लेंगे। अब ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। पैन में घी डालेंगे, गैस जलाएंगे, गैस मीडियम आंच पे रखनी है और घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, साथ साथ साइड्स पलटी करते जाना है ताकि जले नहीं, और गैस को मीडियम आंच पे रखना है। ब्रेड हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई, अब इसी तरह से बाकी के स्लाइस भी फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसका घी निकाल लेंगे। सारी ब्रेड हमने फ्राई कर ली। अब ये फ्राई की हुई ब्रेड को एक एक पीस को चाशनी में दोनों तरफ अच्छे से डुबो देंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। 10-15 सेकंड के लिए उसको रखना है चाशनी में, ऐसे प्लेट में लगाते जाना है। सारे पीसेस को हमने चाशनी में डिप कर लिया और इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकल गई है। अब इसको सर्व करने के लिए हम दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे, अलग अलग रखेंगे इसको ताकि इसके ऊपर पूरी तरह से रबड़ी डाली जा सके।
रबड़ी को मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर जो पपड़ी जम गई है मलाई की उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक एक पीस के ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको रबड़ी में डुबोना है। अब इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, काजू और बादाम जो हमने लंबे काट के रखे थे स्लाइस में। अब इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये आपकी डिश 2-3 दिन फ्रिज में टिक सकती है, ख़राब नहीं होगी। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी शाही टुकड़ा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।